الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مجيد فهم في أمر مريج मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने सूरह काफ की इब्तदाई आयात की तिलावत की है। सूरह काफ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सूरतों में से एक है और बाद रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के हर खुतबे में सूरत काफ सुनाया करते थे। फिर रिवायात से यह भी साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहरी नमाजें अक्सर व बेशतर सूरह काफ और इसके बाद आने वाली सूरतों ही पर मुश्तमिल होती थी। वो क्या मज़मून है कि जो सूरह काफ से शुरू होने वाले कुरान मजीद में बयान हुआ है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर अहमियत दी है कि आप अपनी नमाजों में भी इसी हिस्से की तलावत फरमाते थे अक्सर व बेशतर, और हर खुतबा जुमा में आप सूरह कहफ के ज़रिए से मुसलमानों को नसीहत फरमाया करते थे। सूरह काफ की इब्तदाई आयात जो मैंने तिलावत की हैं, इन्हीं को अगर हम देखें तो फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काफ वल कुरानिल मजीद। काफ कुरान मजीद की कसम है। बल अजिबू अनजाहुम मुंदरुम मिनहुम, लेकिन इन्हें ताज्जुब है इस बात पर कि कोई खबरदार करने वाला इनकी तरफ इन्हीं में से आ गया। फ़क़ाल अल काफिरून हाजा शयुन अजीब, बस काफिर कहते हैं कि यह तो बड़ी अजीब बात है। अइदा मितना वकुन्ना तुराबन, क्या भला जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे। ज़ालिका रजुम बईद, यह बड़ी दूर की कोड़ी है। कुरान मजीद की बहुत से एतबारात से तकसीम हमारे सामने आती है। सूरतों की तकसीम है, फिर सूरतों के अंदर आयात की मुख्तलिफ एंगल से तकसीम है। अहकाम वाली आयात, नसीहत वाली आयात, इसी तरह एक तकसीम है मक्की आयात, मदनी आयात, फिर एक तकसीम है कि कुरान मजीद का वो हिस्सा जो इब्तिदा में नाजिल हुआ और वो हिस्सा के जो मक्के ही के अंदर खास सही लेकिन बाद में नाजिल हुआ।
वो कुरान मजीद के जो मक्की दौर की भी इब्तदा में नाजिल हुआ, वो कुरान मजीद का हिस्सा जो मक्की दौर के भी इब्तदा में नाजिल हुआ, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें और मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाले कुरान मजीद में जमीन और आसमान का फर्क है जबान के एतबार से। मदीना मुनव्वरा में जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है वो बड़ा आसान है अजमियों के लिए भी, कि उसमें पूरे पूरे जुमले हैं। अगर आपने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी हुई है अरबी जबान की तो आप उस जुमले को एनालाइज करके उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो भी कुरान मजीद का इब्तदाई हिस्सा है नुज़ूल के एतबार से, उसमें आपको हार्डली पूरे पूरे जुमले मिलेंगे, बल्कि जुमले नहीं इशारात मिलेंगे, एक्सप्रेशंस मिलेंगे, मुहावरे मिलेंगे। फिर उसमें यह अंदाज कि उसने कहा फिर उसने जवाब दिया, यह भी आपको नहीं मिलेगा बहुत से मकामात पर। जैसे यहां देखिए कि फरमाया कुरान मजीद की कसम है, लेकिन इनको एक ताज्जुब है, अब यह भी नहीं कसम किस चीज पर खाई जा रही है वो भी बयान नहीं किया। उसके बाद फरमाया कि इन्हें ताज्जुब हो रहा है इस बात पर कि कोई खबरदार करने वाला इन्हीं में से उठ खड़ा हुआ है इनको खबरदार करने के लिए, मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। फ़क़ाल अल काफिरून हाज़ा शयउन अजीब, लिहाजा काफिर कहते हैं कि यह तो बड़ी अजीब बात है। अब बराह रास्त उनका एक तबसरा, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, ये नहीं कहा कि वो कहते हैं बराह रास्त, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, यानी इसको भी अगर आप यानी एक्सप्रेशन में लेके जाएंगे तो फिर सही मानों में आप इससे लुत्फानंदोज होंगे कि इसमें थोड़ा सा इशारा भी हो और थोड़ा सा जेस्चर भी आप ऐसे करें, लो आइजा मितना व कुन्ना तो राबन, भला जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे। अब बाकी दूसरे मकामात पर आपको मिलता है कि क्या हम फिर उठाए जाएंगे, क्या फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, यहां कुछ नहीं, बस इतना सा वो इशारा करके यूं करके करके कि आयदा मितना व कुन्ना तो राबन, उसके बाद ज़ालिका रजुम बईद, ये बड़ी दूर की कोड़ी है, यानी जुमला भी मुकम्मल नहीं किया। ये जैसे वो टिपिकल एक अंदाज होता है ना कमेंट करने का और तंजिया अंदाज में कोई गुफ्तगू करने का, उसका पूरा पूरा नक्शा आपको यहां पर मिल जाएगा। अब उसका बराह रास्त जवाब आ गया, अब जवाब भी जैसे एक टेक्निकल जवाब होता है वो नहीं आपको मिलेगा कि उनकी एक एक बात को पैरा वाइज नंबर वन का जवाब ये, नंबर टू का जवाब ये, नंबर थ्री का जवाब ये, उसका बराह रास्त एक जवाब दिया है, वो क्या है, कद आलिमना मातन को सुलर दो मेन हो, हमें खूब पता है कि जमीन ने उनके जिस्मों में से क्या खाया है, वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास बड़ा महफूज डॉक्यूमेंट है, सिक्योर डॉक्यूमेंट, कि जिसमें से कोई जमा तफरीक जो है वो गायब नहीं होती, सिक्योर डॉक्यूमेंट। ये अंदाज है इन सूरतों का। फिर बल कज़बू बिल हक लम्मा जाओहुम फहुम फी अमरिन मरीज, असल बात ये है कि वो हक बात को झुटलाना चाहते हैं, झुटला रहे हैं, कि जब उनके पास वो आया है और वो एक उलझी हुई बात के अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरतों का तज़किरा है, अफलम यमज़ुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनाइनाहा, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा। और ये कुरान मजीद का आम उसलूब है, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का तज़किरा करता है और अक्सर व बेशतर हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं और सारा जोर उन कुदरतों को मजीद एक्सप्लेन करने में और मजीद उनको एडिशंस में जाया कर देते हैं,
हालांकि आप गौर से पढ़ेंगे तो वो असल में अल्लाह की कुदरतों का बयान नहीं होता, वो आखिरत का बयान होता है। साबित जाके आखिर में क्या बात होती है कि तुम्हारा वो रब, वो खालिक जिसकी कुदरतों का ये आलम है, तो वो क्या तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? जिसके इल्म का ये आलम है। अब यहां देखिए, इल्म की बात की ना कि शायद तुम्हें कंफ्यूजन है। अब ये सब कुछ जो है ये इन बिटवीन द लाइंस है, यानी जो उनकी बात हाईलाइट की गई थी वो क्या थी कि वो कहते हैं क्यों भला जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, बड़ी दूर की कोड़ी है। जवाब दिया कि तुम्हें शायद ये परेशानी है कि 60-70 साल की जिंदगी और फिर अरब हा अरब इंसान, खरब हा खरब इंसान, तो कैसे हिसाब होगा उनका? या जब मिट्टी खा जाएगी उनके जिस्मों को, तो जिस्म कैसे दोबारा रिप्रोड्यूस होंगे? उसका बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है कि जब इंसान मर जाता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, तो क्या होता है? जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और हड्डियां बाकी रह जाती हैं। तो वो जिस्म कहां जाता है? मिट्टी में घुल जाता है ना। अब उसका खूबसूरत जवाब दिया, कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिन्हु, हमें खूब मालूम है कि मिट्टी ने उनके जिस्मों में से क्या खाया है। वइन्दना किताबुन हफीज, और हमारे पास बड़ा महफूज डॉक्यूमेंट है, यानी हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक एक चीज का रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि उसके जिस्म में से कितना फास्फोरस गया, कितनी कार्बन गई, कितनी नाइट्रोजन गई, सब मालूम है हमें। तुम हमें पढ़ाने की कोशिश ना करो। इंदना किताबुन हफीज। अब उसकी असल रूट बयान की कि ये ना समझो कि इन्हें असल कंफ्यूजन ये है कि ये कैसे होगा। नहीं, असल कंफ्यूजन ये नहीं है, बल कज़बू बिल हक लम्मा जाओ, असल में ये हक को झुटलाते हैं जब वो उनके पास आया है। अब उसके बाद फिर अफलम यंदुरु इला समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि कैसे हमने उसको बनाया और संवारा है और उसमें कोई नक्श हमने नहीं छोड़ा। फिर और उसकी कुदरतों का तज़किरा है, और फिर एक सेट बयान करने के बाद फिर दूसरा सेट आता है, मनज़लना मिन अस्समाए माम फाम्बतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद व नखला बासिकातिल लहा तलुन नदीद रिज़्क़ल लिलइबाद, और हमने आसमान से पानी नाजिल फरमाया है, फिर उसके जरिए से हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, और उसके जरिए से हम तरह तरह के फल उसमें से निकालते हैं, और खजूरें उनके क्लस्टर्स से क्लस्टर्स जो है वो निकलते हैं। रिज्क लिलइबाद, बंदों के रिज्क के लिए, बंदों के प्रोविजन के तौर पर। वो अहयैना बिही बल्दतन मैतन, और उसी पानी के जरिए से हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तान कहां टूटी? इसी तरह इंसानों का कब्रों में से फिर निकलना होगा। फिर उसके बाद एक और मजमून आएगा इस दुनिया में अल्लाह की पकड़ का, यानी आखिरत का ताल्लुक तो है ना आखिरी हिसाब किताब के साथ, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी पकड़ता है, तो थोड़ा सा ग्लिंप उसका आया कि कज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व असहाबुर रस व समूद व आदुम व फिरऊन व इख़वानुल लूत व असहाबुल अयकति व कौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब अर-रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफाजीना बिल खल्क अव्वल, यानी फिर वो मजमून लौट कर आया, तो क्या हम पहली बार की तखलीक से थक गए? वलकद खलकनल इंसाना, और हम ही ने इंसान को पैदा किया। व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हमें खूब मालूम है कि इंसान का नफ्स उसके दिल में क्या क्या वसवसा अंदाजियां करता है। وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, और हम तो उसकी शारक से भी ज्यादा करीब हैं। अब यहां भी देखिए
कि जो ऑन सरफेस बयान है वो तो अल्लाह ताला की तख्लीक का बयान है कि हमने इंसान को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला के इल्म का बयान है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि इंसान के दिल में उसका नफ्स क्या क्या वसवसा अंदाजियां करता है, और हम उसकी शारह से भी ज्यादा उससे करीब हैं। लेकिन आगे बात क्या आई कि कोई लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकलता, कोई हरकत उससे सरजद नहीं होती, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मगर उसके पास एक महाफिज लिखने वाला जो है वो मौजूद होता है। और इसका भी मतलब क्या है? आखिर की जवाबदेही। तो अब चलते चले जाइए सूरह काफ से जो मजमून चलेगा उसमें एक ही असल में मजमून है कि जो मुख्तलिफ असालीब से दोहरा दोहरा कर आता है, कभी यूं करके बात की जाएगी और तान वहां पर टूटेगी, कभी अल्लाह की कुदरतों का तज़किरा होगा तान वहां पर टूटेगी, कभी अखलाकी गिरावटों का जिक्र होगा तो उसका भी हासिल क्या होगा आओगे हम तुमसे पूछेंगे। यानी कुरान मजीद की जो पहली वही है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मालम यालम कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। यहां भी यही मामला हुआ कि हमने सिर्फ जो पहली पांच आयात अल्लाह ताला के बारे में थी बराह रास्त, हमने उन्हीं को कंसंट्रेट किया कि ये शायद कोई खास बात थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से लेकर आए थे। हालांकि हकीकत क्या है कि ये तो अहले मक्का के लिए कोई खास बात थी नहीं। तफसीर से गुफ्तगू कर चुका हूं मैं यहां एक मौका पर कि मक्के के काफिर तौहीद के साथ अल्लाह ताला को इस कायनात का खालिक मानते थे। मुतअद्दिद आयात लाइन साल तो मन खलक खलक समावात वल अर्द लयकूलुन अल्लाह, यकीन अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो ये काफिर कहेंगे अल्लाह ही ने। और इसमें आखिरी जो आयत है वो तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 और 32 है तो कुल मई यर्जुको को मैंने समाई वाला अर्थ, इनसे पूछो भला तुम्हें आसमान और जमीन में से रिज्क कौन देता है, अम्मई अमले को समा वाला अबसार, या ये पूछो कि भला कौन इख्तियार रखता है मालिक है तुम्हारी समात और बसारत का, तुम्हारी आंखों का और तुम्हारे कानों का। वह मई युखरजुल हैया मिनल मैत व युखरजुल मैत मिनल हय, और कौन जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है। वह मई युदब्बिरुल अम्र, और कौन कामों की प्लानिंग करता है। सयकूलून अल्लाह, तो कहेंगे अल्लाह। रखिएगा बिगिया पेशे अल्लाह ताला के तारफ के सिलसिले में उस पर फरमाया है कुल फकुल अफला तत्तकून फकुल अफला तत्तकून, तो फिर उनसे कहो उससे डरते क्यों नहीं हो। फजालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक, तो वो अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है। तो अल्लाह ताला को मक्के के लोग जानते थे, पहचानते थे, खालिक मानते थे, राजिक मानते थे, नफे और नुकसान का मालिक मानते थे, जिंदगी और मौत का मालिक मानते थे। तो ये उनके लिए कोई खास बात तो नहीं थी। खास बात तो उसके बाद की तीन आयात में थी जिनका जिक्र ही नहीं किया जाता। वो क्या थी? कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, नहीं इंसान सरकश हो ही जाता है। क्यों सरकशी पे उतर आता है? अर्राह उस्तगना, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह देखता है कि कोई पूछने वाला नहीं। यानी जो मादी कवानीन है उनके तो फौरन सजा मिलती है इंसान को, आग जलाती है। आप गलती से भी, कोयला तो बहुत दूर की बात है, गरम गरम देगची को हाथ लगा बैठे जो चूल्हे से उतरी हो तो आपका हाथ जल जाता है, और गलती से गरम गरम चाय या कॉफी का आप घूंट ले लें तो आपका तालू और जुबान जल जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हम झूठ बोले जानबूझकर
तो भी जुबान पर छाला नहीं पड़ता, हालांकि हमें मालूम है कि अखलाकी कानून की रूह से ये गलत है, हराम है। इसी तरह हम गलती से भी खराब खाना खा लें तो फौरन हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, रात भर जो है वो उल्टियां भी आती हैं, मोशंस भी आते हैं, रात भर अस्पताल के तवाफ भी करने पड़ते हैं। इसके मुकाबले में आप किसी भाई का माल गलत तरीके से हड़प कर जाएं तो पेट में कोई दर्द नहीं होता। तो ये वो बात है जो कही गई, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राह उस्तगना, कि नहीं, इंसान सरकश हो ही जाता है इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह देखता है, कोई पूछने वाला नहीं। इन्ना इला रब्बे का रोजा, ए इंसान यकीनन तेरे रब के हुजूर तुम्हारा लौटना होगा। तो आप कोई कुरान मजीद का मुसहफ लेके देखिए, उसे खोलिए किसी जगह से, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ के देखिए, मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी मुसहफ में कुरान मजीद का कोई ऐसा पेज मिलेगा जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आखिरत का जिक्र ना हो। यहां तक कि जहां जिक्र आ रहा है कुरान मजीद में कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीम, वो भी असल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो डांट का एक अंदाज है। जैसे बाप बेटे से, कोई बेटा जो है वो गलत हरकत कर रहा है तो बाप कहता है मैं देख रहा हूं, तो वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा होता उससे, बल्कि वो डांटने का एक उसलूब है कि मैं अभी फारिग होता हूं, तुम्हारी खबर लेता हूं। उस्ताद कहता है क्लास में अपने शागिर्दों से मैं देख रहा हूं, तो अल्लाह ताला जब कहता है कि मैं देख रहा हूं, तो असल में आखिरत की खबर दी जा रही है कि अल्लाह ताला जो है वह हमारी तमाम हरकतों को देख रहा है और अल्लाह के हुजूर हमारी पेशी होगी और हमें अपने एक एक अमल की जवाबदेही करनी होगी। कुरान मजीद में ये जो मैंने अभी आपको कुछ दिखाए हैं, सूरह काफ से शुरू होने वाले जो खास मजामीन हैं, फिर जो सूरतें पढ़ने की फजीलत आपको मिलती है कि फलां सूरत फजर के बाद पढ़ना जो है यह मसनून है, इसकी ये फजीलत है, ये फलां सूरत मगरिब के बाद पढ़नी जो है इसकी ये फजीलत है, और फलां सूरत जो है वो फलां वक्त पे पढ़ने की ये फजीलत है, वो सूरतें भी आपको अक्सर और बेशतर मिलेंगी उसी आखिरी हिस्से में से। और अगर कोई उसमें एक्सेप्शन है भी सही, सूरह कहफ की जैसे एक्सेप्शन है कि उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमे को पढ़ने की तलकीन फरमाई है, उसको आप पढ़ के देखिए, उसका सेंट्रल थीम ही यही है। उसके पहले रुकू में आयत आई इन्ना जालना माल अल अर्दी जीनत अल्लाह ली नबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, बेशक जमीन पर जो कुछ है हमने उसको इंसानों के लिए, जमीन पर बसने वालों के लिए बड़ा पुरकशिश बनाया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें से अच्छे अमल करने वाला कौन है। वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और यकीनन हम इसको एक दिन एक चटियल मैदान बना देने वाले। तो ये कौन सा मजमून है? आखिरत का मजमून है। फिर उसके अंदर आप पढ़ते चले जाइएगा तो पहले असहाबे कहफ का किस्सा बयान हुआ है, उसमें भी आप नोट कर लें कि कितनी दफा आखिरत की तरफ इशारा है। उसके बाद फिर चौथा रकू आता है तो उसमें मुतनवे मजामीन है, लेकिन उनके अंदर आप गौर से पढ़ेंगे तो मजमून आखिरत का उसमें थ्रू एंड थ्रू आपको चलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद पांचवा रकू है, उसमें एक वाकया है दो अशखास का, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन मिन नाबिन इला आखिर, पढ़ते चले जाइए। उसमें भी असल बात क्या है कि उनमें से एक तलकीन शाह है और एक हदायतुल्लाह है। तो हदायतुल्लाह जो है वो गरीब आदमी है, तलकीन शाह जो है वो साहिब सरबत आदमी है, लेकिन उसका जो यानी उसकी विंडो ड्रेसिंग जो है वो एक बड़े शरीफ आदमी की है और बड़े नेक आदमी की है, अच्छी रेपुटेशन का मालिक। लेकिन उसका जो असल थीम वहां पर बयान हुआ है वो क्या है?
कि अमीर आदमी जो है वो कहता है कि ये मेरे बागात, ये सब कुछ मैं नहीं समझता कि ये कभी तबाह होंगे, बल्कि पहली बात तो ये कहता है कि आना अक्सर मिनका मालम व आज़ु नफरा, कि मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और तुमसे ज्यादा बाइज्जत हूं, शराफत है मेरे अंदर, खानदानी स्टेटस के एतबार से भी मैं बड़ा हूं और माल के एतबार से भी मैं एफ्लुएंट हूं। और आगे चल के यह कहता है कि मैं नहीं समझता कि यह सब कुछ कभी तबाह होगा, यानी आखिरत का इनकार हो गया, कयामत का इनकार हो गया। अब वला रुदितु इला रब्बी, और बिलफर्ज वल महाल अगर मैं अपने रब के हुजूर पेश भी किया गया, लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनकलबा, तो मैं इससे बेहतर पर लौटाया जाऊंगा। यह भी आखिरत की स्पिरिट की नफी हो गई। और इस पर वो हिदायतुल्लाह जो है उसका गरीब दोस्त, वो उसको कहता है क्या कफरता बिल्लज़ी खलकक मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा सव्वाका रजुला लकिन्नहु अल्लाह रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। और उसके बाद छठा रकू आता है, उस सारे का हासिल ही आखिरत है। वज़्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फअसबहा हशीमन तद्रूहुर रियाहु वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक्तदिरा। मैं तर्जमा नहीं कर रहा, सूरह कहफ जाके पढ़िएगा, इन मज़ामीन को रिवाइज कीजिएगा, इसलिए कि वक्त नहीं है मेरे पास। उसकी भी तान कहां टूटती है, यानी हर आयत में आपको आखिरत का जिक्र मिलेगा। वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक्तदिरा, यह किसका जिक्र है? फिर वो रुकू भी कहां खत्म होता है? वबूदी अल किताब, आमाल नामे दे दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्माफी, और तुम देखोगे मुजरिमों को कांपते हुए, डरते हुए उस चीज से कि जो उस आमाल के अंदर, आमाल नामे के अंदर लिखा हुआ है। वयकूलूना, और पुकार उठेंगे माल हाजल किताब, ये कैसा आमाल नामा है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि ना इसने कोई छोटा अमल छोड़ा है ना बड़ा छोड़ा है, बल्कि सब के सब का इहाता कर लिया। वह वजदु मा अमिलु हाजिरा, और जो कुछ भी अमल किया होगा उसको अपने सामने मौजूद पाएंगे। वला यस्लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर कोई ज्यादती नहीं करेगा। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ज़ुल्करनैन का वाकया आएगा तो उसमें भी आखिरत का जिक्र आपको मिल जाएगा। लेकिन आखिरी रुकू वो तो गोया है ही सारा ईमान बिल आखिरत। कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन आमाला, क्या हम तुम्हें बताएं कि दुनिया में आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले लोग कौन से हैं? अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, वो कि जिनकी तमाम दौड़ धूप इसी दुनिया ही की जिंदगी में उलझ कर रह गई, गुम होकर रह गई, दे गॉट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, और बहुम या सबूना अन्ना हम युसूना सुना, वो ये गुमान करते रहे कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं। और हर दुनियादार जो है, जिसमें हम सभी शामिल हैं, नो एक्सेप्शन टू इट, हम दुनिया के अंदर खुबे हुए हैं, लॉस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमें से हर शख्स समझता है कि मैं बड़ा कामयाब आदमी हूं, मैं तो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम डूइंग वेरी वेल। उसका फिर जवाब दिया गया है, फिर आखिरत का नक्शा कि इनका क्या अंजाम होगा। और वो लोग इन लजीन आमनु वामिलु सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। इसी तरह यानी इसी हिस्से का जो आखिरी है सूरह, यानी तीसवा पारा, इसका अगर आप एक प्रोफाइल देखें तो इंशाल्लाह ये मजमून और निखर का सामने आएगा कि कुरान मजीद में इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले सूरह नबा आती है, अम्मा यदा सालून अनिन नबा इल अजीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, किस चीज के बारे में एक दूसरे से पूछा जा रहा है, किस बात के बारे में बहस हो रही है आपस में, उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा पता तुम्हें, अनकरीब मालूम हो जाएगा, सब रोशन हो जाएगा।
उसके बाद फिर वही अल्लाह की कुदरतों का तस्करा, अलम नजअल अर्द मिहादम वल जिबाला उतादम व खलकनाकुम अज़वाजन, यानी पूरी वो बयान करने के लिए, देखो हमने क्या ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बना दिया, रात को तुम्हारे लिए बायस आराम नहीं बना दिया, सूरज रोशनी देने वाला नहीं बना दिया, और बादलों से निचड़ने वाला पानी नहीं उतार दिया। ये सब कुछ बयान करने के बाद इन्ना यौमल फसल काना मीकाता, यकीनन फैसले का भी एक वक्त मुकर्रर है, फैसले के दिन का भी एक वक्त मुकर्रर है, आखिरत का बयान आया। उसके बाद फिर आखिरत का नक्शा कि क़यामत के दिन जब फरिश्ते और तमाम इंसान और सब कतार अंदर कतार खड़े होंगे तो किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी की वो बात कर सके, और फिर जो अहले जन्नत हैं अल्लाह के यहां कामयाब होने वाले हैं उनका तज़किरा, और फिर जो नाकाम होने वाले हैं उनका तज़किरा। फिर सूरह नाज़ियात आती है, उसमें भी देखिए अंतुम अशद्दु खल्कन अम अस्समा, बताओ तो भला अल्लाह के लिए आसमान का पैदा करना मुश्किल था या तुम्हारा है इंसानों? बनाहा, अल्लाह ने आसमान को बनाया, उसकी छत को बुलंद किया और हर एतबार से दुरुस्त किया, और फिर तुम्हारे लिए यह पैदा किया, यह बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हारे चौपायों के लिए, और एकदम बहुत ही ग्लोरियस अंदाज में फैजा जाअतिल कुबरा, तो जब वो बड़ा हंगामा होगा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस रोज हर इंसान को याद आ जाएगा कि उसने कहां कहां दौड़ धूप की थी, किन किन कामों में उसने अपनी सही और जोहद की थी। फम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया, तो जिस किसी ने सरकशी का रास्ता इख्तियार किया होगा, अब सरकशी एक लफ्ज है ना, लेकिन इसको हम अपने मानी नहीं पहना सकते, कुरान मजीद ने वाजे कर दिया सरकशी है क्या। फम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया, तो जो कोई सरकशी के रास्ते पर चला और उसने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, यानी रब्बुल आलमीन कहता है कि वल आखिरत खैरुन वाबका, आखिरत लॉन्ग लास्टिंग भी है और बेहतर भी, लेकिन इसके होते हुए अगर कोई शख्स दुनिया को प्रेफरेंस देता है तो वो क्या है, वो बागी है। फम्मा मन तगा वासल अल हयात दुनिया फइनल जहीम ही अल मावा, तो जहीम जहन्नम उसका ठिकाना होगा। वम्मा मन खाफ मकाम और रब्बी ही, हां जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और उसने अपनी अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से रोक लिया, फइन्नल जन्नत ही अल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना होगी। आगे चलिए सूरह आबस आ गए, अब सूरह आबस का इख्तिताम देखिए, फैजा जाति सौख, तो जब वो शोर मचेगा यौम यफिरुल मरु मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी, बहुत अजीब मकाम है कि इस दुनिया में भी इंसान अपने आइजा व अकारिब को छोड़ता है, थोड़ा सा इंसान तंगदिल होगा तो वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ देगा, अपनी फैमिली में आके महदूद हो जाएगा, फिर उसमें भी भाई को बड़ी जल्दी छोड़ देगा, जरा सा इख्तलाफ होगा जायदाद का तो भाई को छोड़ देगा, फिर उससे आगे बढ़ेगी बात तो मां को भी डिसओन कर देगा, जरा बीवी का मां से इख्तलाफ हुआ तो हमें से कितने ही लोग हैं बदनसीब के जो मां को छोड़ देते हैं इस दुनिया की जिंदगी में, फिर उससे आगे बढ़कर बाप, और फिर अपनी औलाद के मुकाबले में बीवी को भी छोड़ देता है, लेकिन कितने ही वाकयात हमने पढ़े सुने कि कोई किसी का बेटा बीमार था तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे बीमार कर दे, मेरे बच्चे को सेहत दे दे। किसी बादशाह के बारे में सुन रखा हमने कि उसने उसके चारपाई के गिर चक्कर लगाए कि अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे, मुझे बीमार कर दे, लेकिन ये सब दुनिया की कहानियां हैं। लेकिन जब वो शोर मचेगा
قیامت کا دن آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. اب اس کا حاصل کیا ہے کہ آخرت کا جتنا یقین مجھے حاصل ہوگا اتنا ہی میں سیلفش ہو جاؤں گا کہ ہر صورت پر مجھے جہنم سے، عذاب سے بچنا چاہیے. کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے بڑے باوصول، بڑے اسٹرکٹ، لیکن جب بیٹے نے ایف ایس سی کا امتحان دیا تو اس کے نمبروں کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. کتنے ہی لوگ دیکھے کہ بچے کی جاب کے لیے انہوں نے اپنے سارے اصول زندگی کو توڑ دیے. لیکن اگر آخرت یاد ہوگی، یقین ہوگا آخرت کا، تو پھر وہی نقشہ آخرت کا یہاں بھی ہوگا کہ میرا بیٹا جاتا ہے جہنم میں جائے، لیکن کسی طرح مجھے جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے. یہ آخرت کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور پھر اسی کا نقشہ آگے چلا، کل امرئ منہم یومئذ شان فی شان یغنی. اور اس روز ہر شخص کو ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اسے ہر چیز سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اس کے بعد سورہ تکویر آتی ہے. اب دیکھیے گریجولی رنگ بدلا نا تھوڑا تھوڑا، یعنی سورہ نبا اور نازیات ذرا قریب قریب تھیں، اب سورہ عبس کے اندر وہ مضمون ایک نیا رنگ اختیار کر گیا. تعلقات اور تعلقات کا آخرت میں کیا نقشہ ہوگا، اب ایک نئی بات آ رہی ہے، جرائم، اور ایسے جرائم کہ جنہیں ہر ذی شعور جو ہے گھناؤنے جرائم کہتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا جرم جو امپلیکٹس تھا لیکن سب لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا گھراؤنا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، وہ کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا. اب اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد تان کہاں ٹوٹی؟ واذا الموءودۃ سئلت، اور جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ای ذنب قتلت، کس جرم کی پادائش میں وہ قتل کی گئی تھی، زندہ دفن کی گئی تھی. یعنی اگر لڑکی ہونا جرم تھا تو یہ تمہارا تو نہیں تھا، میں نے تمہیں بیٹی بنایا تھا، میں نے تمہیں لڑکی بنایا تھا. یعنی حاصل کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو گمان اٹھتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، تو بتایا کہ نہیں نہیں، ڈونٹ وری. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی. پھر آخرت میں ایک چور دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان میں غلو کرنا. ویسے تو انفیکٹ اللہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ہے، اللہ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے، اس لیے کہ نہ اس کے علم کی کوئی انتہا، نہ قدرت کی انتہا، نہ شفقت کی کوئی انتہا، نہ مہربانی کی کوئی انتہا، یقیناً. لیکن جب اس کی شفقت اور مہربانی کا بیان ایک خاص انداز میں ہوگا تو اس سے کیا ہے، وہ آخرت کے لیے ایک چور دروازہ بن جائے گا. یہ اگلی سورت کا مضمون ہے، سورہ انفطار کا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے رب کریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تمہیں بنایا، سنوارا، اور تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کر دیا، اور تمہاری کیسی کیسی صورتیں بنا دی. اب یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیے، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کا چہرہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، ایک پیشانی ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، دو رخسار ہیں، دو ہونٹ ہیں، اور تھوڑی ہے.
लेकिन हम में से कोई दूसरे के साथ नहीं मिलता, है ना अल्लाह की कुदरत। यानी एक छोटे से फ्रेम में वैरायटी पैदा करना, उसको बुनियाद बनाया। लेकिन तुम ये जो बात कर रहे हो अल्लाह ताला के करीम होने की, गफूर होने की, और जिस अंदाज में तुम इसका तस्करा कर रहे हो, कल्ला बल तो कर दिबूना बिद्दीन, असल में तुम बदले के दिन को, बदले को, जजा व सजा को झुटलाना चाहते हो। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन, हालांकि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किए हैं बड़े बाइज्जत फरिश्ते लिखने वाले। उसके बाद सूरह मुतफ़िफ़ीन आई, वैलुल मुतफ़िफ़ीन, खराबी है, बर्बादी है, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़्ज़तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, वो कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वैज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, लेकिन जब लोगों के लिए नापते या तोलते हैं तो उसमें से कमी कर लेते हैं। डंडी मारना, नाप तोल में कमी करना, मिलावट करना, ये सब एक ही चीज है। अब ये भी वो शय है कि जो हम में से हर एक को बुरी लगती है, उसको भी बुरी लगती है जो खुद अपने कारोबार में मिलावट करता हो लेकिन दूसरों पर वो कमेंट जरूर करता है कि लो जी ये क्या बात हुई कि खाने पीने की अशिया में मिलावट, यहां तक कि दवाओं के अंदर मिलावट, दो नंबरी तीन नंबरी, सब बुरा कहते हैं और उस पर अल्लाह की तरफ रिस्पॉन्स आ रहा है कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, तो क्या उन्हें गुमान नहीं है, क्या डोंट दे बिलीव अन्नहुम मबऊसून के वो उठाए जाएंगे। ली यौम अज़ीम, एक बड़े दिन, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाएंगे, हाजिर किए जाएंगे। चलते चले जाइए, बस ये हर सूरत में आपको ये मजमून जरूर टच होता हुआ नजर आएगा। और वो सूरतें जो हमें याद हैं उनका भी एक जल्दी से आप प्रोफाइल देख लें तो आपको यही मिलेगा। सूरत तीन, यानी ये वो सूरतें हैं कि जो हमें से तकरीबन हर मुसलमान को याद हैं, उसका मजमून भी क्या है। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, इंजीर के वो दरख्त जिन्होंने हज़रत नूह का मुशाहिदा किया, और जैतून के वो दरख्त जिन्होंने हज़रत ईसा का मुशाहिदा किया, और कोहे तूर जिसने मूसा को देखा अलैहिस्सलाम, और ये बलद अमीन मक्का जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ये सब गवाह हैं, लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक पर पैदा किया है। सुमरदना वसफला साफिली, फिर हमने इसको गिरा दिया निचलों में भी सबसे निचली सतह पर, यानी हैवान का जिस्म इसको अता कर दिया, उसके अंदर इसको रख दिया ताकि अब ये अपनी हिम्मत करके, कोशिश करके, अपनी वर्थ प्रूव करे कि मैं इंसान हूं। सुमरदना वसफला साफिली इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके के जो ईमान लाएं और अच्छे अमल करें। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, बस उनके लिए अजर है न खत्म होने वाला। ये दुनिया जो है ये बड़ी महदूद है, इसमें ना नेक को उसकी नेकी के हम वजन बदला दिया जा सकता है, और ना ही मुजरिम और जालिम को उसके जुर्म और जुल्म के हम वजन सजा दी जा सकती है। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, और किन हालात में तबलीग की, सूरह नूह पढ़ लीजिए। क्या लेकर गए इस दुनिया से? अगर उनको कोई अजर देने की कोशिश भी की जाती तो शायद ना दिया जा सकता, और नहीं दिया जा सका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ये इंसानियत के बड़े बड़े खादिम हैं, खुदामे उज़ामे इंसानियत के। इतना एहसान है इनका इंसानियत पर कि एक एक एहसान का बदला चुकाने के लिए भी कई कई जिंदगियां चाहिए। एक शख्स एक धमाका करके 20 आदमियों की जान ले लेता है। पहले आप उस शख्स को लोकेट करें, फिर उसके खिलाफ आप अदल के तकाजों के मुताबिक मुकदमा कायम करें,
और कोर्ट के अंदर प्रूव कर दे कि वो मुजरिम है, तो एट द मोस्ट क्या सजा देगा उसको कोर्ट? फांसी की सजा। लेकिन वो फांसी की सजा क्या उसके जिस जुर्म के वजन है? हरगिज नहीं है। उसने 20 आदमी कत्ल किए और कम से कम 20 औरतें बेवा हुई, और एवरेज अगर 3 बच्चे भी आप लगाएं उनके, ज्यादा होंगे मैं एवरेज कह रहा हूं, एटलीस्ट कोई बे औलाद भी होगा उनमें से, किसी के साथ बच्चे भी होंगे, तो कम से कम 30 बच्चे या 60 बच्चे यतीम हुए। फिर यतीम बच्चे मुआशरे के अंदर क्या क्या खराबियां उनकी वजह से आएंगी और बेवा औरतों की वजह से क्या क्या खराबियां आएंगी, उन सबका हिसाब आप लगाइए। तो यह जिंदगी उसके लिए काफी नहीं है कि उसको उसके जुर्म के हम वजन सजा दी जा सके। और इस जमीन का, इस दुनिया का बादशाह कौन है? अल्लाह। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो अखबारात में बयान क्या आते हैं कि हुकूमत मुजरिमों को पकड़कर करार वाकई सजा दे या मुस्ताफी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जेन्युइन रूलर वो होता है, लेजिटिमेट हुकूमत वो होती है कि जो मुजरिमों को करार वाकई सजा दे और नेकोकारों को मेरिट के मुताबिक रिवॉर्ड करे, बदला दे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो अल्लाह ताला इस कायनात का जेन्युइन रूलर है कि नहीं, लेजिटिमेट सॉवरन है कि नहीं? अगर है तो फिर फमा युकद्दिबु का बादु बिद्दीन, तुम्हें कौन सी चीज आमादा करती है कि तुम बदले के दिन को झुटला दो? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम हाकिमों में से बेहतरीन हाकिम नहीं? फिर उसके बाद सूरह अलक आती है, उसका मैंने पहले हवाला दे दिया। फिर इन्ना अंजलना फी लैलतुल क़द्र आती है, उसमें भी आखिरत की तरफ इशारा है, अगरचे थोड़ा है, ज्यादा उसका मजमून जो है वो कदर ही से मुतालिक है। लेकिन जो अजर का जिक्र उसमें आ रहा है, 1000 महीनों से बेहतर है, वो क्या है? वो आखिरत ही का अजर है। उसके बाद सूरह बय्यिना आती है, खुद पढ़ लीजिए उसका मजमून क्या है। फिर ज़िलज़ाल आती है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ाला अल-इंसानु मा लहा। फिर सूरतुल आदियात आती है, उसमें भी कस्में खाई गई घोड़ों की वफादारी की, और बात क्या निकली? इन्नल इंसान अल रब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का नाशुकरा है। तो इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, यकीनन वो इस पर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, यकीनन वो माल की मोहब्बत में बहुत बड़ा हुआ है। और फिर तान कहां टूटी? इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो जानता नहीं कि जब जो कुछ कपड़ों में है वो वसूल कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है वो भी खोल कर रख दिया जाएगा। फिर सूरतुल क़ारिया है, वो तो मजमून ही खड़खड़ा डालने वाली, क्या है खड़खड़ा डालने वाली, तुम क्या है खड़खड़ा डालने वाली क्या है? फिर सूरत तकासुर आती है, उसका मजमून भी यही है। फिर सूरतुल असर आती है, वो भी यही मजमून है। फिर सूरतुल लमज़ा आती है, उसका भी यही मजमून है। उसके बाद सूरह फील आती है, सूरह फील के अंदर यानी दुनिया में एक सर्कस जो है उसके अंजाम का जिक्र है कि दुनिया में भी हम तुमसे बदला ले सकते हैं और अंजाम दे हद कहीं ऐसा करके दिखा सकते हैं। फिर सूरह कुरैश आती है, उसका भी मजमून यही है, फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह की बंदगी जिसका नतीजा आखिरत में निकलने वाला है। फिर सूरह माऊन आती है, फिर यही मजमून है। फिर उसके बाद छोटी छोटी सूरतें हैं, इन्ना आतो इन्ना कल कौसर, वो एक खास छोटा सा मजमून है, 3 ही आयात हैं, उसमें आखिरत का बज़ाहिर जिक्र नहीं है। फिर सूरतुल काफिरून में भी बज़ाहिर जिक्र नहीं है, लेकिन उसका जो आखिरी बात है वो क्या है? लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारी राह, हमारे लिए मेरे लिए मेरी राह। और ये दूसरे मकाम से पता चलता है कि इसकी भी तान कहाँ टूटती है। सूरह शूरा की आयात है, मिलाइए, लना मालूना वलकुम आमालुकुम अल्लाहु यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हमारे लिए हमारे आमाल, और अल्लाह हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर
सूरह नसर आती है, उसका भी एंड क्या है? फसब्बिह बिस्मि रब्बिका वस्तग़फिरहु, बस अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर और अल्लाह से बख्शिश मांग। फिर उसके बाद सूरह लहब आती है, उसका भी यही मजमून है। उसके बाद सूरह इखलास है और उसके बाद तावुज की दो सूरतें हैं। तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा नक्शा दिखाया है 30वें पारे में से कि किस तरीके से ये मजमून और यही इब्तदाई सूरतें हैं। और आप पीछे चलते चले जाएंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये मजमून जो है चलता रहेगा फिर भी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी इन सूरतों के अंदर है। हासिल कलाम यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मालूम होता है कि असल में यही बताने के लिए आए थे कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राह उस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा अलहाकतुम अलहाका अलकारियतुम अलकारिया। और अगर हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और जिस कदर हम उनके मानने वाले बनेंगे उसी कदर आखिर का ईमान हमारे दिलों में जागुजी होगा और हमें याद रहेगी आखिरत। यानी एक है सिर्फ मान लेना आखिरत को, ये काफी नहीं है, आखिरत को याद रखना। यानी वो जो मैंने अर्ज किया था सूरह अबस के हवाले से कि जितना यकीन आखिरत का होगा उतनी ही कैफियत इसी दुनिया में पैदा होनी चाहिए कि यौम यफिरुल मरु मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि हम हर एक से दूर भागेंगे। इंसान जो है वो उसको एक ही फिक्र दामनगीर होगी कि बाकी जो मर्जी हो जाए मैं बचा लिया जाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान बिल आखिरत जागुजी कर दे, घुसा दे हमारे दिलों में, याद रहे हमें हरदम आखिरत, मुझे भी आपको भी, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते गुफ्तगू करते हुए खामोश बैठे हुए घरों के अंदर दफातर के अंदर मसाजिद के अंदर कारोबारी मराकज के अंदर हर वक्त याद हो कि ये जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है, मरना है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यानी आज से 40-50 साल पहले तो शायद ज़रा कुछ मुश्किल था ये समझना कि ये कैसे होगा, अब ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल मुमकिन है। ये कंप्यूटर और वीडियो जो हैं इससे हमें ये बात जो है वो महसूस होती है कि अब ये छोटे 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 जो हैं वो USB आ रही है, उससे भी कोई छोटी चीज़ आएगी, पता नहीं ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। और अब ये बात बिल्कुल मुश्किल मालूम नहीं होती कि कोई छोटी सी चिप जो है हमें से हर एक को दी जाए और मुश्किल ना हो कि यूँ हम उसको लगाएँ, हमारा अपना हाथ ही मॉनिटर बन जाए और हमारी ज़िंदगी की वीडियो फिल्म जो है वो चलनी शुरू हो जाए। इकरा किताब का कफा बे नफ्स कल यौम अलैका हसीबा, पढ़ अपना आमाल नामा, आज तू खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।